अच्छा राइट भाई, देखिए एक नौजवान है जो कि कोडिंग आती है, जिसको फ्रीलांसिंग आती है या कोडिंग आती है या ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, लेकिन वो पाकिस्तान में रहता है। एक और नौजवान है, उसको भी सारी चीजें आती हैं, लेकिन वो न्यूयॉर्क में रहता है, लंदन में रहता है, सैन फ्रांसिस्को में रहता है। उन दोनों की आमदनी में कोई 100 गुना का फर्क है। मैं पिछले 7 साल से लोगों को सोशल मीडिया पे कहता हूँ, दोस्त बदली कर लो, ताकि तुम्हें वैल्यू सिस्टम पता चले कि अंग्रेज के साथ कैसे काम करना है, अमेरिका में कैसे काम होता है। पाकिस्तान वाला बिलीव ही नहीं करता कि वो $1,00,000 कमा सकता है, 2 कमा ही नहीं सकता, क्योंकि वो ढूंढता ही वहां पे जहां पर उसके उतने पैसे नहीं मिलते। इसको मुझे गाइड करें कि मैं बेहतर और कैसे करूं, क्योंकि मैं शायद कुछ हजार लोगों को तो फायदा पहुंचा पाया हूं, लेकिन मिलियंस बगैर फायदे के बैठे हैं, सिर्फ इसलिए कि उनके दोस्त जो हैं वो पाकिस्तानी हैं। देखिए रेहान भाई, ये तो मैं आप ही का मैसेज रिपीट कर दूंगा, लोग कहेंगे यार ये तो वही बात बोल दी, लेकिन जो असूल है वो तो असूल चेंज नहीं होता ना, वही जो आपका 500 फ्रेंड्स वाला रूल है, यानी आप कंपनी चेंज किए बगैर चेंज नहीं होते। वही जो यानी लोग दोस्त वगैरह, वही आप 5 मिलियनेयर के साथ बैठना शुरू कर दें तो एक हफ्ते के बाद आप 5, यानी इसमें जो बेहतरीन रूल है वो तबलीगी जमात वालों का है। वो कहते हैं भाई दिल का हाल बदलने के लिए ना आपको बाहर का हाल तब्दील करना पड़ता है, तो 4 महीने के लिए निकलो, बुजुर्गों की सोहबत में रहो, मस्जिद में जाके बैठो, तो सब कुछ तब्दील हो जाएगा। सेम थिंग अप्लाइज हियर, नो टू इंक्रीज योर फ्लाइट ऑफ थॉट, जिसको इकबाल कहता है कि परवाज है दोनों की इसी एक फिजा में, शाही का जहां और है, किर्गिस कहते हैं वल्चर को, किर्गिस का जहां और, देर बोथ फ्लाइंग इन द सेम एयर, एक ही हवा में उड़े हैं, लेकिन शाहीन कौन बना है, जिसने अपने आप को ऊपर शाहीनों के साथ उड़ना है, का जिसमें मादा पैदा हो गया वो शाहीन बन गया, जिसने फ्लाइट अपने लो रखी, वही मैंने तो बस $10 कमाने हैं, तो $20 कमाने, वो वल्चर्स के साथ रहा, उसकी फ्लाइट लो हो गई। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो यही है कि आप अपनी फ्लाइट हाई करें। मैं अगर अपने आप पीछे रिकॉल करूं, यूनिवर्सिटी की डिग्री लिटरली गई भाड़ में, जितना मैंने लोगों की कंपनी में सीखा है ना, आज मेरे वो काम आ रहा है, डिग्री किताबों में जो मैंने पढ़ा वो काम नहीं आ रहा। तो वो कैसे कन्विंस करें लोगों को कि वो दोस्त अपने बाहर के ज्यादा बनाए? ये बस ये प्रॉब्लम है ना हमारे कल्चर में, हम अपने वो छोटे से कुएं में से निकलते ही नहीं है। एक जो पाथ हमने डिसाइड किया हुआ है, घर में से निकले, थड़े के ऊपर बैठे, वहां से दूध की दुकान पे चले गए, वहां किसी दोस्त को मिल गए, कोई कजन हो गए, कजन से कॉलेज फ्रेंड्स हो गए, कोई एक कहीं बस में मिल गया था, वो बस उसी छोटे से सर्कल में हम हमेशा रहते हैं। हम उस बैरियर में से ब्रेक करने में अनकंफर्टेबल फील करते हैं ना, नए लोगों के पास जाएंगे वो क्या कहेगा, मैं क्या कहूंगा, तो वो आपका एक फियर है ऑफ नोइंग एंड मीटिंग न्यू पीपल, वो आपको बस ब्रेक करना है, एक मुश्किल काम है, बट यू हैव टू ब्रेक इट। वो एक कैसल है, यानी जैसे ये शनवारी का ये जो पीछे बनी हुई है बड़ी बड़ी दीवारें, आपने अपने आप को उसमें बंद किया, यू हैव टू ब्रेक इट, यू हैव टू कम आउट ऑफ इट। शुक्रिया।